हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई आज का ब्लॉग होता है दोपहर 12 बजे से स्टार्ट। आज भाई देखो धूप कितनी कैड़ी निकली हुई है हम दोनों की, तो फस क्या बताएं, आप समझ रहे होंगे। ये देखो अपने काम में लगी हुई है, इधर झाड़ू पोछा। इसकी सासू माँ मतलब मेरी मम्मी इसको ना इसकी रेल बना के रखती है बेचारी। देखो काम में कैसे लगी है, देखो ये देखो कैसे लगी हुई है ना काम में। ये देखो गाइस क्या बोले, हम दो रहे हैं डब्बे और देखिए आपने तो देखी होंगी है, मतलब सॉरी मतलब इनमें ये तो बकवास करती रहती है। अब देखो अंदर ना कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। ये भाई साहब इनको आप देख सकते हो, ये लेटे हुए हैं, ये मस्ती कर रही हैं। देखो इसको ये मालूम ही नहीं है इसकी मम्मी कहाँ है। वैसे तो अपने पापा का पता है, पापा फिलहाल इसके पास में है। भाई क्या बताएं भाई, खाना तलक नहीं मिला है अभी हम लोगों को खाने के लिए। ये देखो सब्जी वगैरह तो बन गई है और आटा जो है ऐसे रखा हुआ है। देखो बोलो मम्मी ने रेल बना रखी है, आटा ऐसे रखा हुआ है। बोलो मम्मी ने रेल बना रखी है, मम्मी ने रेल बना रखी है। मैं तो घर पे ही हूँ, काम वाम क्योंकि मेरे पास है नहीं है। सब निकम निकम्मा बोलते हो आप लोग, मुझे कमेंट में गाली देते हो, बस इतना करते हो हम लोगों को। अब बताओ क्या ही करें हम लोग। अब इसका तो काम देखो खत्म होने वाला है नहीं, ये तो बेचारे पूरा दिन ऐसे काम में लगी रहती है। ये देखो गाइस क्या करूँ, जो मेरी सासू माँ मतलब मेरी जो मम्मी जी है बोल रही है कि आज रोटी नहीं खानी, पहले डिब्बे धो के रखो। रोज की रोज बोलते कि डिब्बे धुलने चाहिए, रोटी डिब्बे धुलने चाहिए, पर गाइस बोलने सोचा धो ही देती हूं। डिब्बे गंदे हो गए थे, हमारे घर में बिल्ली आती है, चूहे चूहे बहुत ज्यादा है, तो क्या करे गाइस। चूहों ने ऐसे की तैसी कर रखी है, चूहे ना टट्टी कर देते हैं आकर के डिब्बों में, बारीक बारीक मिंगने घेर देते हैं। तो आप ही बताओ भाई ऐसे अच्छा लगता है क्या भाई। पता नहीं क्या हो रहा है यार, हमें ना हमें तो हो तो कुछ नहीं रहा है इतना भी, बस जो चल रहा है लाइफ में सब सही चल रहा है आप लोगों की दुआ से। अपना यूट्यूब से हम कुछ क्या बताए भाई, थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी ला कर ही जाता है, और कितना आ जाता है क्या किसे क्या बताए। कोई कहता है कि बहुत बड़े बड़े गाड़ी बिजनेस बंगले खड़े कर लेंगे ऐसे, तो भाई आप लोगों को लगता है भाई ऐसा होता है बताओ। अगर हमारे पास पैसा होता हम ऐसे रहते, नलके से पानी भरते क्या, मोटर लगा हुआ होता, घर में फ्रिज होता, एसी होती, बढ़िया होता, ऐसे ही रहते हम। कई कई लोग भाई आते दिन में हमसे मिलने, ओ मतलब भाई मेरे को ना भागना पड़ा, हमारी औरत बहुत हराम है, हमको बहुत मारती है, मेरे को बहुत डर लगता है उससे। देखो गाइस क्या करूँ, डिब्बे नहीं है घर में, तो तेल डाल के डिब्बे धोने के लिए पड़ रहे हैं। मेरी सासू बहुत सुनाई गया कर, इसलिए मैंने सोचा खाना बाद में बना लूंगी। मैंने कड़ी चाल बनाई पर रोटी नहीं बनी अभी, सोचा इन्हें धो के दर देती हूँ फिर गाली सुननी पड़ेगी। बनना यहाँ पे यार सच में मेरी जिंदगी डुबोली यहाँ पे आके, पर क्या करूँ अपनी पतिदेव की वजह से पड़ी हूँ। मेरी वजह से क्यों पड़ी है, किसी और की चीज की वजह से पड़ी है। घर के जो है ना नलका उसका पानी हमको अच्छा नहीं लगता, बाहर हमारे ना फ्रिज वो लगा हुआ है, फ्रिज सा होता है उससे पानी भर के लाते हैं तब पीते हैं, वो डॉक्टर ने बोल रखा है। गाइस गर्मी इतनी आ गई है अब जा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और अभी हमारे यहाँ पे ना गेहूं कटाई चलने वाली है। देखो मौसम भी बाहर से कैसा हो रखा है, इधर ऊपर जो पेड़ हैं पेड़ पर पत्ते भी नहीं है यार। तू किससे बात करेगी, यूट्यूब वाले बहुत तेज होते हैं, तुमको पटा लेंगे ठीक है। ये बोल रहे कि यूट्यूब वालों के पास उनसे भी सुंदर होती है यार, यूट्यूब वाले पटाते कैसे हमको मालूम ही नहीं है यार। तो गाइस आप सबने हमको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। गाइस मैं सुबह से काम में लगी हूँ, सच में सफाई में बहुत ज्यादा लग रही हूँ क्योंकि मैंने सफाई की थी, लेकिन होली रंग खेला है ना सबने, देखिए मैं तो धो धो के होली से शकल भी हाथ भी से कैसे काले हो गए। देखो यहाँ पे चोट लगा थी, देखो यहाँ पे सारी चूड़े मोल दी, मेरी चूड़े पहन गई थी सब मोल दी चूड़े, उन्होंने मेरे बाल पकड़ के ऐसे खींचा खींचा मुझे यहाँ पे। जो इसके देवर लोग होते हैं ना उन्होंने इसको बढ़िया रगड़ा घेर करके, चूड़ी चाड़ी लग गई, चोट चाट लग गई, ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बस होली इसकी मन गई बढ़िया देवर अपने देवरों के साथ में। मेरे तो रोज होली खेल लेता हूँ जब मन करे, पर क्या करूँगा इस वरना मैं आज तक इतनी खुश नहीं रही क्योंकि बस अब ज्यादा खुश हूँ। दूसरी बात ये है क्योंकि क्या बात, हमें बहुत ज़्यादा यूट्यूब से प्यार मिल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर देखो कहाँ जा रहे हैं, आप लोग एकदम से सब्सक्राइब कर देते हो, घंटा दबा देते हो, तो गाइस हमें चाहिए क्या, हमें ना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है।
गाइस मैंने इनसे शादी तो कर ली है लव मैरिज, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। गाइस मेरी मम्मी भी नहीं है और मेरे पापा भी नहीं है, यही है। गाइस कैसा लगा आपको मेरा डायलॉग? क्योंकि इनके भी पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी भी नहीं है, इनके मम्मी भी है। तो मम्मी तो मेरी मम्मी हो गई तो तुम्हारी भी तो मम्मी होगी पागली। ये तो है। तो गाइस आप हमें ना ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप बोलोगे कि डेली ब्लॉग बनाओ, हम इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे और आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।